Do you think that the day I wore this uniform, I let go of my human rights? जहन दोस्तों, क्या हमारे लिए मानव अधिकार नहीं है? क्या हमने वर्दी पहन ली है तो सारे आरोप हमारे ऊपर ही लगते हैं? दोस्तों मैं बात कह रहा हूं, आपने देखा होगा, कुछ इलाका होगा आपने देखा हो, इंसर्जेंसी में आपने बहुत सारे देखे होंगे कि हमारे भारतीय सेना के अधिकारियों के ऊपर, भारतीय सेना के जवानों के ऊपर बहुत सारे मानव अधिकार हनन का आरोप लगा हुआ है और उन्होंने इसमें अपनी नौकरी तक खो दी थी। बहुत सारी यातना उन्होंने झेलनी पड़ी, बहुत सारे केसेस लगे थे, कईयों को यहां तक उन्हें बेचित होकर के फौज छोड़नी पड़ी और सिर्फ एक कानून था, वो है मानव अधिकार। यानी मानव अधिकार क्या सेना की वर्दी पहनने वाले के लिए नहीं है? क्या वो मानव नहीं है जिसने सेना की वर्दी पहनी है? आप देखिए एक एनएसजी कमांडो के एक मेजर साहब किस तरह बात कर रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूं मैंने ये वर्दी पहनी तो मेरा मानव अधिकार कहां चला जाता है? कि देश की रक्षा के लिए यदि मैंने ये वस्त्र धारण किए और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और उस ड्यूटी में मेरे ऊपर सामने से कोई पत्थर फेंक रहा है, मेरे ऊपर गोली चला रहा है, मुझे कोई गाली दे रहा है, मुझे कोई भी किसी तरीके से प्रताड़ित करता है, तो तब मानव अधिकार का हरण नहीं होता है? मानव अधिकार का हरण जब होता है जब मैं किसी से कुछ भी सवाल कर देता हूं, किसी को रोक दूं तो मानव अधिकार, टोक दूं तो आखिर में क्यों जो वर्दी पहनने वाला मानव नहीं है, क्या उसके इमोशंस नहीं है? वो किस चीजों को दबा के अपनी ड्यूटी करे? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो जारी हुआ है, आप दोस्तों देख सकते हो एक पैरा कमांडो के मेजर साहब किस तरह अपनी बात कह रहे हैं और मैं उन्हें सलूट करता हूं, धन्यवाद कहता हूं कि सरकार को यह सोचना चाहिए आखिर हम भी इंसान है, यदि हम अपनी ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी के अंदर कहीं थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है तो हमें मानव अधिकार का आरोप लगा करके हमारे ऊपर कानून हमें कानून शिकंजे में ले लेता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मैसेज पहुंचे, लगे कि नहीं अब तो खैर मानव अधिकार का गठन हो चुका है, दिल्ली मुख्यालय में उसका एक ऑफिस भी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। Everybody who is in this uniform, do you think that the day I wore this uniform, I let go of my human rights? I don't think so. I ask you, where were the human rights or what human rights? You tell me, were Lieutenant Umar Fayaz and Rifleman Aurangzeb violating when they were abducted while on leave and brutally murdered and their videos posted all over the internet for the world to watch? Gentlemen, I think we cannot talk about justice and human rights through a set of people who have been so deeply and so precariously indoctrinated due to religious extremism that logic and reason does not apply to them anymore. And in the end, I would like to finish my sentence by saying just one line, and that is, you cannot expect justice from a nation whose flags you burn every Friday. Thank you. Jai Hind.